नमस्कार, स्वागत है आपका बिंदु सिंह सीरीज़ के 5वें एपिसोड में। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक जाना कि कैसे नगौली की घटना के बाद बिंदु सिंह के चर्चे पटना तक शुरू हो जाते हैं। लगातार घर वालों को नक्सलियों द्वारा तंग करने की वजह से बिंदु सिंह फौज की नौकरी से भाग आते हैं, पर यहाँ खुली जंग शुरू हो जाती है। जहानाबाद और अगल बगल के 5 लोगों द्वारा मिलकर एक गैंग बनाया जाता है। बाद में आपसी कलेश की वजह से गलत फहमियों के कारण ग्रुप टूट जाता है, जिसकी वजह से उदय सिंह फेकन सिंह पर हाथ चलवा देते हैं, पर इसकी खबर लगते ही आपस में ही युद्ध शुरू हो जाता है। इसी दौरान मोकर में बिंदु सिंह 14 कट्ठा विवादित जमीन ले लेते हैं। इस मामले में जबरदस्ती उदय सिंह विपक्ष के पार्टी के साथ होकर बिंदु सिंह को ऐलाने जंग के लिए ललकार देते हैं। उस प्लॉट पर आने का 3 रास्ता था। बिंदु सिंह ने तीनों रास्तों को ब्लॉक करके एम्बुश लगा दिया कि अगर उदय सिंह आते हैं तो या तो मारे जाएंगे या फिर उधर गोली चलेगी और इधर हल चढ़ेगा। हल्का बारिश होता है और यह लोग 2 पोजीशन छोड़ देते हैं। वहीं पर एक स्कूल होता है जहां यह सब इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उदय सिंह दिमाग के तेज थे और बहुत बुद्धिमान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बारिश में उदय सिंह आएंगे, इसलिए 2 पोजीशन छोड़कर सभी एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उदय सिंह उसी रात को बारिश में ही आकर के उसी छत पर बैठ गए जिसके नीचे से वो जमीन शुरू होती थी और हल चलने वाला था। सुबह होने से पहले बिंदु सिंह और उनका गैंग 30-35 राउंड फायर करते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, यह सोचकर कि शायद रात में आ गया होगा और अगर आया होगा तो जवाब तो देगा। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सुबह हुआ तो आदेश दिया गया, चढ़ाओ हल, नहीं आया। लेकिन वो तो आकर बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा था कि अगर आया होगा तो जरूर निकलेगा, लेकिन इसके ठीक विपरीत एक भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उदय सिंह ने एक भी हरकत नहीं दिखाई। उदय सिंह का पोजीशन छत पर था और इन लोगों का नीचे फील्ड में, तो लाजमी सी बात है कि ऊपर वाले को बहुत क्लियर और सेफ पोजीशन मिला हुआ था। लेकिन इनके पास क्योंकि पोजीशन बनाया हुआ नहीं था, तो कुछ लोग पैन में, कुछ स्कूल के अंदर, कुछ लोग कियारी के पास, कुछ पोखर में, कुछ पेड़ के पीछे पोजीशन लिए डटे हुए थे। बिंदु सिंह ने आवाज दिया, हर चढ़ाओ। अब जहां जमीन लड़ाई की है, विवादित है, वहां कोई हरवाहा थोड़ी आएगा हर चढ़ाने, अपनी जान जोखिम में डालकर। तो बिंदु के पिता भरत सिंह और जिद्दू सिंह पैल लेकर आए, और एक जिन्होंने 6 डिसमिल जमीन लिखवाया था, उनके भाई कौलेसर सिंह पालो लेकर आए। जैसे ही अपने कंधे पर अब जहां जमीन लड़ाई की है, विवादित है, वहां कोई हरवाहा थोड़ी आएगा हल चढ़ाने, अपनी जान जोखिम में डालकर। तो बिंदु के पिता भरत सिंह और जद्दू सिंह बैल लेकर आए, और एक जिन्होंने 6 डिसमिल जमीन लिखवाया था, उनके भाई कौलेश्वर सिंह पालो लेकर आए। जैसे ही अपने कंधे पर झुककर पालो रखते हैं, फर्स्ट फायर गिरा दिया, गोली सीधे कंधे में लगी। अरे आयल हो रे, आयल हो रे के शोर के साथ चलने लगी गोलियां। छत पे से उदय सिंह गोली चला रहे थे, उनके साथ और भी करीब 15 लोग थे। पोजीशन इतना सेफ मिला हुआ था और ये लोग फील्ड में। करीबन 3 घंटे गोली चली, दोनों तरफ से गोलियों के साथ साथ गालियां भी चल रही थी। आओ तो आओ, निकल निकल, अंदर कहे हो, फोर्स आ गई, पोजीशन टूट गया। एक रास्ता जो घूम कर आने वाला था, उस पर सुधीर नाम के एक लड़के को, जिसका बाद में मर्डर हो गया, उसको एक नाली बंदूक लेकर वहां डिप्यूट किया गया था। खिड़की पर, जिसके नीचे से वो रास्ता गुजरता था, कि तुम यहां नजर बनाए रखना, एक रास्ता ये भी है,
यहां से भी आ सकता है उदय सिंह। ये लोग कॉन्फिडेंट थे कि इन लोगों ने तीन रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं, तो जरूर यही सो गया होगा जिसके लापरवाही से उदय सिंह सुबह यहां उस घर में पहुंच गए। और फिर क्या था, फायरिंग बंद होते ही ये लोग उसको गाली गलौज करने लगे कि मारो जो सो गया तू, तब तो पहुंच गया वो, हम लोग तो तीन रास्ता ब्लॉक किए ही हुए थे, तीन रास्ता छोड़कर वो चौथा रास्ता से आ गया, इसका मतलब कि सो गया था। अब इनको क्या पता था कि रात को ही बारिश में उदय सिंह आकर पोजीशन ले लिए थे छत पर। इन्हें तो लग रहा था कि तीन रास्ता छोड़कर चौथे रास्ते से आ गया उदय सिंह, जिस पर सुधीर को बैठाया हुआ था, लेकिन सुधीर सोया नहीं था। पुलिस आने से पोजीशन टूट गया और भागा दौड़ी मच गई। उदय सिंह को कहीं भागना नहीं था, इस मकान से उस मकान, उस मकान से उस मकान, लेकिन ये लोग फील्ड में होने की वजह से खेता खेती भागने लगे। अब तो लड़ाई छिड़ गया ना सामने से, और जबरदस्त। क्यों? क्योंकि इन्हीं के आदमी को गोली भी लगी और उन्हें कुछ हुआ भी नहीं। अब तो लड़ाई छिड़ गया ना सामने से और जबरदस्त क्योंकि इन्हीं के आदमी को गोली भी लगी, उन्हें कुछ हुआ भी नहीं। दूसरे ही दिन बिंदु सिंह के बड़े बेटे को पोलियो का टीका लगवाने के लिए जहानाबाद ले जाना था। पांच लड़का ये लोग निकले स्टेशन के लिए, वहां फेकन सिंह और बूटन सिंह को बच्चे को लेकर भेजना था। बूटन सिंह और फेकन सिंह एक राइफल एक बंदूक के साथ जहानाबाद निकल गए। ट्रेन से जाना था, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था इनके पास थी नहीं और ना ही उतना पैसा था कि गाड़ी ठीक करके जा सकते थे। बिंदु सिंह के पास टोटल उस वक्त पांच राइफल थी, जिसमें से दो जहानाबाद साथ चला गया था। अब उधर गाड़ी खुलना कि इधर पुलिस की जीप एंटर करती है। सुभाष सिंह इंस्पेक्टर थे उस वक्त। रामाष्टे बाबू के चलते, क्योंकि वो बहुत मानते थे उदय सिंह को, तो लाजमी था कि थाना भी उन्हीं को सपोर्ट करता। पुलिस को देखते बिंदु सिंह और उनके गिरोह विपरीत दिशा में भागने लगा। हथियार मात्र तीन ही बचा था, दो भाई साहब के साथ चला गया था। नदौल स्टेशन के पीछे पश्चिम की ओर ही उदय सिंह का गांव था मटौड़ा। उदय सिंह उधर से चले आ रहे थे, उन्हें कहीं जाना था। बिंदु सिंह और उनके लोग पुलिस के कारण उसी रास्ते दौड़ते हुए आ रहे थे कि उदय सिंह की नजर बिंदु और उनके गिरोह पर पड़ी, तो उदय सिंह लौट गए। और जब वो लौट गए तो इन लोगों ने भी रास्ता बदल दिया कि उनके घर के तरफ से नहीं जाएंगे, और फिर ये लोग तिरछे होकर खेतों के रास्ते भागने लगे। इन लोगों का इरादा कोई उदय सिंह को छेकने या मारने का नहीं था, मगर शायद उदय सिंह को वैसा लगा हो इन्हें दौड़ते हुए इनकी ओर आते देख। ये लोग कुछ दूर बढ़े ही थे कि इनको भागते देख उदय सिंह राइफल लेकर जुट गए और बिंदु सिंह के बाबूजी का नाम लेते हुए उन्हें ललकारा। उसी दिन वो खत्म हो जाते हैं। उदय सिंह आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर एक गोली चला रहे थे। रीलिंग पोजीशन में बैठते हुए बिंदु सिंह ने 3.15 के राइफल से गोली चलाई। गोली आम के पेड़ को रगड़ते हुए उदय सिंह के बाह में रगड़ खाते हुए पार कर गई। दूर से गोली चल रही थी और पुलिस भी आ चुकी थी। माओवादी 2 किलोमीटर उस समय आ गए थे, लेकिन इनके गांव में इन लोगों की एकता की वजह से एंटर नहीं कर पाए थे। उनको गोली लगी और वो घर लौट गए। ये लोग भी वहां से अपना घर आ गए। उदय सिंह उसी दिन शाम को मटौड़ा से मोकर चले आए। उस वक्त छठ हो रहा था। बिंदु सिंह की पत्नी मसौढ़ी में छठ कर रही थी, लेकिन क्योंकि दोस्त के यहाँ मोकर में छठ हो रहा था, इसलिए बिंदु सिंह मोकर में थे। उस वक्त कई एक माओवादियों के मर्डर के वजह से बिंदु सिंह फरार चल रहे थे। शाम में जब बिंदु मोकर गए अर्घ देने, तो इस बात की जानकारी उदय सिंह को लग गई कि अगर शाम को आया है तो सुबह भी अर्घ देने जरूर आए। मोकर में ही मुखिया जी के दरवाजे पर मीटिंग बैठा कि सुबह बिंदु आएगा जरूर, तो गोली मारकर उसका सर काटकर सूर्यमठ पर चढ़ा देना है।
जैसे वो कोई खस्सी बकरी है। जिस दरवाजा पर मीटिंग हो रहा था उसका बड़ा भाई गांजा बेचता था। गांजा लेने जो ग्राहक वहां पहुंचा था, जब उसने बिंदु सिंह के बारे में बात होते सुनी तो वहीं रुक गया। वो था तो हरिजन ही, लेकिन बिंदु का भक्त था। बिंदु की चर्चा होते सुन वो वहीं पर बैठ गया और सारी बातें सुन ली। बिंदु सिंह मोकर में जद्दू सिंह के यहाँ रुके हुए थे। उनके नज़र में सेफ्टी वाला एक ही मकान था, ऊंचा, जहां से गोली चलाई जा सकती थी अच्छे पोजीशन में थे। बिंदु इस बात से बेखबर कि उदय सिंह मोकर गांव में आए हुए हैं, छत पर सोए हुए थे। वो हरिजन जानता था कि बिंदु छत पर सोए हुए हैं, तो उसने छोटा सा ढेला छत पर फेंका। उस छत पर ढेला गिरना जिस पर बिंदु सिंह सोया हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। हड़बड़ा कर बिंदु सिंह उठ खड़े हुए। बिंदु सिंह आर्मी में होने की वजह से हमेशा बहुत चौकन्ने रहते थे। छत पर से बिंदु ने झांका तो उस व्यक्ति ने इशारा किया, जिसके जवाब में बिंदु ने अंदर आने का इशारा किया। बिंदु जिस घर में रुके थे वो उनकी भाभी लगती थी, तो उन्होंने उस भाभी से कहा कि भाभी जरा दरवाजा खोलिए। तो भाभी ने पूछा, किस लिए बाबू? जिस पर बिंदु ने कहा, एक आदमी अंदर आएगा। जिस घर में बिंदु रुका था वहां भी छठ हो रहा था। बिंदु उस आदमी को अंदर बुला लेते हैं।